रेशम की कहानी। मैं बहुत उत्साहित हूँ दादाजी। मुझे खुशी हुई। आओ चलो आगे चलें। बहुत शानदार है ना? हाँ। वो कौन है दादाजी? वो है राजकुमारी लीजू, रेशम के कीड़े की माँ। रेशम के कीड़े की माँ? हाँ, उन्हीं के कारण संसार आज रेशम के बारे में जानता है। मैं उत्सव शुरू होने के बाद तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ। मैं कैसे इस उत्सव की भव्यता का आनंद ले सकूंगा यदि मैं उस व्यक्ति के बारे में ना जानूं जिसे ये समर्पित है। इस पर मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, एक समय की बात है, चीन के इसी देश में राजकुमारी लीजू रहती थी। वो महान येलो सम्राट की पत्नी थी और वो जितनी सुंदर थी उतनी ही कलात्मक भी थी। पर लीजू हमेशा ही राजकुमारी नहीं थी। वो एक रहम दिल नौजवान लड़की थी जो दक्षिण पश्चिमी चीन के इलाके में स्लिंग में रहती थी। छोटी लीजू के माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो उनकी देखभाल करती और उनके लिए बाहर से पानी और जंगली फल लाती। ये लो, थोड़ा पानी पी लो पिताजी। हम बहुत धन्य हैं कि हमें तुम जैसी लड़की मिली लीजू। तुम हमारा ख्याल रखने के लिए पूरे दिन मेहनत करती हो। पिताजी, मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक बच्चे के नाते ये मेरा कर्तव्य है। अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। तो हर दिनों की तरह दिन बीतते गए। जब लीजू तड़के सुबह जंगल में निकल जाती फल और खाद्य बीज ढूंढने के लिए। एक दिन घंटों चलने के बाद और फल ढूंढने की कोशिश में लीजू एक शहतूत के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे कहीं भी खाने को नहीं मिल रहा था और वो चिंतित थी कि उसके माता पिता भूखे मरेंगे। अब मैं क्या करूं? मैं बिना खाने लिए वापस नहीं जा सकती। माँ और पिताजी कितने भूखे होंगे। उसका रोना इतना उदासी भरा और दिल दहलाने वाला था कि एक परी जो एक पक्षी बनकर टहनी पर बैठी थी बहुत प्रभावित हुई। अपने जादू से उसने जमीन पर कुछ शहतूत के पत्ते गिराए। पहले तो लीजू ने पत्तों की ओर ध्यान नहीं दिया और सिसकती रही। चिड़िया फिर जमीन पर उतरी और एक शहतूत के पत्ते पर अपनी चोंच मारने लगी। एक चिड़िया को पत्ते खाते देखकर असमंजस में पड़ी लीजू ने जमीन पर से एक शहतूत का पत्ता उठाया और हिचकिचाते हुए उसे चबाया और उसे मीठा और खट्टा दोनों ही पाया। इसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। सहज होकर पत्ता खाया जा सकता है, उसने कुछ अपने माता पिता के लिए इकट्ठे कर लिए और घर का रास्ता पकड़ा। जब लीजू घर पहुंची, तो उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। नहीं, माँ, नहीं पिताजी। लीजू के माता पिता अब नहीं रहे थे। वो बेचारी लड़की अब बिल्कुल अकेली थी। कई दिन बीत गए और लीजू ने अक्सर शहतूत के पेड़ के छांव के नीचे राहत महसूस की। एक दोपहर जब वो पेड़ के नीचे बैठी थी
और पक्षी को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में व्यथा सुना रही थी, वो अचानक चौंक गई आने वाली आवाज को सुनकर। पानी, पानी। ये तो राजा है। हे भगवान, लगता है ये प्यास और थकावट से बेहोश हो गए हैं। राजा ज़िलिंग का घोड़ा शहतूत के पेड़ के नीचे आकर रुका और राजा जमीन पर गिर पड़ा। पानी, पानी। लीज़ू तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ी और कुछ देर बाद आई पानी का घड़ा लेकर और बेहोश राजा की मदद की पानी पिलाने में। कुछ देर में वो ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे से बात क्यों कर रही हूँ, तुम तो एक घोड़े हो। मैं ये घड़ा यही छोड़ जा रही हूँ, जब वो होश में आएंगे तो उन्हें कुछ और पानी पीने को कहना। तुम उन्हें कुछ नहीं बता सकते, तुम तो एक घोड़े हो और मैं अभी भी तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है तो अलविदा। ओह लाइज़ो, तुम्हें जानवरों से बात करनी बंद करनी होगी। लीज़ू अपना मुंह लटकाकर घर चलकर आई, इससे बेखबर कि चुपके चुपके घोड़ा उसके पीछे आ रहा है। वो जंगल से बाहर आई और फिर झील के किनारे अपने घर तक चल कर गई। घोड़े ने एक दूरी से देखा और फिर वापस अपने मालिक के पास लौट आया, जिसे अब तक होश आ गया था। हाँ, फुरसंग मेरे बच्चे, तुम कहाँ थे और कौन उदारता से ये पानी का घड़ा मेरे लिए छोड़ गया है? तुम उन्हें जानते हो? राजा ज़िलिंग अपने घोड़े पर सवार हुआ और लीज़ू के घर पहुंचा। लीज़ू जो बुरी तरह से सिसक रही थी, खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछकर दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन होगा जो मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? ओह, राजा ज़िलिंग। क्या तुम वही दयालु इंसान हो जो मेरे लिए पानी लेकर आई थी? हाँ महाराज। दिलचस्प है, तुमने अपने राजा की मदद की और इनाम पाने का इंतजार नहीं किया? आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य था महाराज। बहुत खूब, मैं तुम्हें इनाम देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। अपने माता पिता को बुलाओ, उन्हें बताओ कि राजा आए हैं। लीज़ू की आँखें आंसुओं से भर गई जब उसने अपने होठ खोले। क्या बात है? मेरे माता पिता कुछ महीने पहले गुजर गए, मैं अकेली रहती हूँ। राजा लीज़ू के दुख से बहुत प्रभावित हुआ और उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं राजा ज़िलिंग तुम्हें अपनी बेटी के रूप में गोद लेता हूँ। महाराज, मुझे अपना पिता कहो, चलो महल में चलते हैं। और नन्ही लीज़ू बन गई राजकुमारी लीज़ू, जिसे सभी प्यार और दुलार करते थे। राजकुमारी लीज़ू बड़ी होकर एक बहुत ही बढ़िया स्त्री बनी, जो धनुष विद्या और राजनीतिक मामलों में दक्ष थी। अपने पिता राजा ज़िलिंग के आशीर्वाद से उसका विवाह येलो सम्राट से हुआ और वो बन गई रानी लीज़ू। मिलकर उन्होंने चीन को संगठित करने का काम किया, पर ये कहानी किसी और समय के लिए रखो। अब उन दिनों पर वापस आओ जब राजकुमारी लीज़ू धनुष विद्या का अभ्यास कर रही थी। बहुत बढ़िया राजकुमारी, अभ्यास हमें निपुण बनाता है। सही कहा। क्या मेरी चाय तैयार है? हाँ राजकुमारी, वो आपका इंतजार कर रही है शहतूत के पेड़ के छांव में। रानी लीज़ू अपने चाय का प्याला लिए शहतूत के पेड़ के नीचे बैठ गई। आज कितनी सुहानी दोपहर है। हाँ राजकुमारी। रानी लीज़ू ने प्याला अपने होठों तक उठाया, जब तक एक छोटी सी चीज जिसका भूरा सफेद रंग था उसकी चाय में आ गिरी ऊपर पेड़ की लहलहाती टहनियों से। ओह, ये क्या है? ओह, मैं तुरंत इसे बदल देती हूँ। रुको, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। उत्सुक होकर रानी लीज़ू ने वो गोला अपनी चाय से निकाला और उसने गौर किया कि वो बहुत नरम मुलायम था। रेशमी प्यूपा जो चाय में भीग गया था और अधिक नरम हो गया था।
और पतले पतले रेशे जो धूप की रोशनी में चमक रहे थे उससे निकलने लगे। रानी ने एक ढीले रेशे को खींचा। आ, इसे बाहर निकलते देखो, इसे पकड़ो और खींचते रहो। नौकरानी ने उसे खींचा जब तक कि वो बाग की लंबाई तक नहीं फैल गया। वाह, ये तो कमाल है। ये सच में राजकुमारी? एक कलात्मक और उत्सुक व्यक्ति होने के नाते जो वो थी, रानी लीजू ने फैसला किया कि वो उस चीज का उद्गम ढूंढ निकालेंगी। वो पेड़ के आसपास गईं और उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से ककून जमीन पर गिरे थे। देखो, एक सी चीज़े। उत्सुक होकर उन्होंने पेड़ से और ककून इकट्ठे किए कि उन रेशों को वो निकाल सके, धागों को कपड़े में बुन सके। जब उन्होंने खत्म किया तो उन्होंने बुन लिया था एक नर्म और चमकता हुआ कपड़ा जो मुलायम भी था और लाजवाब भी। ये कितना नाजुक है और कितना शानदार। अपनी खोज से उत्साहित होकर उन्होंने सम्राट को इसके बारे में बताने की सोची और ये फैसला किया कि उन्हें इस विषय पर और अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने अगले कुछ हफ्ते बिताए रेशम के कीड़े का अध्ययन करते हुए। उन्होंने पता लगाया कि मादा रेशम का कीड़ा 300 से 500 अंडे देती है एक समय में। अंडे बाद में रेशम के कीड़े बनते हैं। ये रेशम के कीड़े लगातार बहुत मात्रा में शहतूत के पत्ते खाते हैं और उन्हें पूरी तरह बढ़ने में 6 हफ्ते लगते हैं। उस समय तक वो खाना छोड़ देते हैं और अपना सिर उठाना शुरू करते हैं, तब ही वो अपने ककून को बुनते हैं। कई हफ्तों तक रेशम के कीड़ों का अध्ययन करने के बाद रानी लीजू इस नतीजे पर पहुंची कि कीड़े और कुछ नहीं खाते सिवाय शहतूत के पत्तों के। समय आ गया है कि मैं अपने पति से ये बात करूं। रानी लीजू अपने पति येलो सम्राट के पास गई और उन्हें इस खोज के बारे में सब कुछ बताया। एक नर्म धागा? प्रिये, ये तुम क्या बात कर रही हो? अरे वाह, ये तो बहुत ही मुलायम और बहुत ही कमाल का है। हम इसे यहाँ अपने देश में उत्पन्न कर सकते हैं। सोचो ये हमारे व्यापार को कितना बढ़ावा देगी। तुम सही कह रही हो। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? अपनी पत्नी से प्रोत्साहन पाकर येलो सम्राट ने एक पूरा शहतूत का बाग अपनी पत्नी को उपहार में दिया, जहां उसने रेशम के कीड़े पाले। जल्दी ही लीजू ने तरीके ढूंढ लिए अधिक मात्रा में ककून के रेशों को धागों में बदलने के और उनसे कपड़ा बनाने के तरीके भी, और इस तरह रेशमी कपड़े ने जन्म लिया और ये संसार के बाजार में अत्यधिक सफल हुआ। केवल इतना ही, रानी लीजू ने सम्राट येलो को प्रोत्साहित किया कि रेशम के कीड़े पालने और रेशम की खेती की प्रक्रिया पूरे देश में फैलाने। चीन रेशम के उत्पादन का केंद्र बन गया और इसके निर्यात से वो बहुत फला फूला। दरअसल ये कहा गया है कि चीन प्रमुखता से ऊपर उठा सांसारिक व्यापार के शुरुआती वर्षों में रानी लीजू की वजह से, जो ज़ीलिंग की कभी एक छोटी सी दयालु और कलात्मक लड़की थी। वाओ, वो कमाल की है। हाँ, आज चीन संसार के 80% रेशम का उत्पादन करता है। और ये सब शुरू हुआ उस दोपहर की चाय में बाधा के कारण। हाँ,